लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने पकड़ा सर, पूरी लॉरी स्मगलिंग के मामले में। एक मिनट, इसमें तरकारियां तो नहीं है ना? अरे नहीं सर, वो एक बार मिस्टेक हो गई। मैं कौन? आई एम इंस्पेक्टर गुलशन, सिलेक्टेड विदाउट रिकमेंडेशन। अच्छा सर, आई सर, पूरा भरा हुआ सर, सब स्मगलिंग का माल है। ये देखिए सर, ये शाबाश, पिछली बार शाकाहारी माल लेकर आए थे, इस बार मसाले लेकर आए। तुम अरे मंगल, क्या हुआ तुम्हें? माल कहाँ है? मैं बताता हूँ। कौन है? बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। याद है उस दिन तुमने कहा था कि मेरी बहन सरकारी वकील के घर की बहू नहीं बन सकती? मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि जब तक तुम खुद मेरी बहन को उस घर की बहू बनने की दावत नहीं दोगे, मैं तुम्हें इसी तरह डंक मारता रहूंगा। मैंने तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, इसीलिए तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। लेकिन याद रखो, शेर जब बदन सिकोड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पीछे हट गया, बल्कि वो छलांग लगाने वाला होता है। शेर जब छलांग लगाए तो उसका पेट चीर देना और आसान हो जाता है। याद रखना, ये मेरी दूसरी किश्त है। मैं ड्राइवर भी रह चुका हूं विकराल, मुझे रिवर्स गियर डालना आता है। फिर से ऐसी गलती की तो अगली बार मेरी गोली तुम्हारे सीने में धस जाएगी। मैडम, ये उन लोगों की फाइल है जिन पर स्मगलिंग करने का शक है, लेकिन ये लोग आज तक पकड़े नहीं गए। विकराल सिंह, ये बहुत ताकतवर आदमी है, इसको हम टच नहीं कर सकते। अच्छा, सेठ दमड़ीलाल, ये विकराल सिंह का दाहिना हाथ है। तो विकराल सिंह का बायां हाथ कौन है? इंस्पेक्टर गुलशन। हे मां लक्ष्मी, तू तो जानती है कि बेईमानी अगर ईमानदारी के फ्रिज में रहे तो सुरक्षित रहती है, इसीलिए मैं थोड़ी सी ईमानदारी कर लेता हूं ताकि वर्दी शरीर से चिपकी रहे, और डट के बेईमानी करता हूं ताकि मेरी तिजोरी भरती रहे। तो मां, मेरी इस तिजोरी को दुनिया की और सरकार की बुरी नजर से बचाना। मैं बचाऊंगा। कौन है भाई? बादशाह, मुकद्दर का बादशाह। आप आइए आइए आइए। ये सब क्या है? जब मैं लोगों से दान करवाता हूं तो सबसे पहले उन्हें पीताम्बर पहनवाता हूं, इसलिए यह है। तुम्हें अपना सारा धन दुर्गा मां के मंदिर की दान पेटी में डालना होगा। नहीं नहीं, मेरे जैसे आदमी को जरूरत नहीं है, मैं तो रोज दान पेटी में 10 पैसे डाल देता हूं। हराम में लाखों कमाते हो और दान देते हो 10 पैसे? कौन कहता मेरी कमाई हराम की है? खून पसीने की कमाई है मेरी। अच्छा, इंस्पेक्टर के अत्याचार और भ्रष्टाचार के गवाह हाजिर हो। आई 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 आई, खोल दो इनका कच्चा चिट्ठा। भूल गए साहब, आप ही ने तो कहा था कि चांदनी सिनेमा के पास लोगों की पॉकेट मारा करो और उसमें से आधा मुझे दिया करो, सो मैं देता रहा। अबे ए इंस्पेक्टर साहब, मेरे को जेल में बंद करने का धमकी देकर मेरी सारी कमाई लूटता रहा। अरे कल रात को भी तूने मेरे को बुलाया था। क्या कर रहे हो? मेरे पास बहुत से ऐसे गवाह हैं जिनकी गवाही सुनकर तुम्हारा डिपार्टमेंट खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतार देगा। बुलाऊं? नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन मेरी वर्दी मत उतरवाइए। तो ये धोती पहन लो, ले जाओ इसे। आइए आइए, पधारिए 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 पधारिए। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश। कैसा लग रहा है?
अभी तक भक्त का पूरा रूप नहीं आया। अच्छा पकड़ो। अब कैसा लग रहा है? पूरा मुर्गी चोर लग रहा है। और अब कैसा लग रहा है? अब जैसे शमशान घाट का भिखारी भजन गाने के लिए आया हो। ए, तुम अपना सारा धन तिजोरी से निकाल के हमारे साथ चलो। चलो आइए उसे। इससे पहले इस तरह इतने सारे लोगों ने कभी जय जयकार की है तुम्हारी, तो फिर रोते क्यों हो? तुमने जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम्हें। डालो डालो इसमें। दस साल की कमाई 10 लाख रुपए 10 सेकंड में चले गई। ये लो 10 रुपए घर जाने के लिए। ऑटो रिक्शा मंगाओ। आइए दादा, दानवीर गुलशन जी की, गुलशन जी की, दानवीर गुलशन जी का। आइए आप लोग लाइन में सीधे खड़े हो जाइए। लाइन जी, लाइन जी, सीधी लाइन में, सीधी लाइन। आइए शाबाश। चलो तुम भी लाइन। आप लोगों के लिए जो नरेश जी ने मकान बनवाए हैं, अभी नरेश भाई जी आकर आप लोगों को उन मकानों के कागजात देंगे। ये जायदाद तो रुपए तुम्हें कहां से मिले? कौन हो तुम? नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। देना पड़ेगा, इसलिए कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूं। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम कुछ ही दिनों में इतने अमीर कैसे हो गए कि लोगों को मकान तक मुफ्त में बांटने लगे और खुद इतने आलीशान बंगले में रहने लगे। बताओ कहां से आई इतनी दौलत? भैया यही सवाल मैंने तुमसे बार बार पूछा, लेकिन हर बार तुमने मुझे डांट कर चुप करा दिया। क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ इसीलिए ना। लेकिन भारती को तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है, इससे तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कुछ छुपा रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि वो बात गलत है। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि जिस आग से चिंगारियां उड़ती हैं उसे भी तो छुपा कर रखा जाता है। अपनी तसल्ली के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी आत्मा मुझे धिक्कारे। तुमने अपनी आत्मा को धिक्कारने के लिए उसे जिंदा ही नहीं छोड़ा। तुम्हारी आत्मा तो मर चुकी है। वो उस वक्त जिंदा थी जब तुम बच्चों के नरेश अंकल थे, दूसरों की जान बचाने के लिए जाबाज ड्राइवर थे, बहन पर जान निछावर करने वाले भाई थे। था नहीं, अभी भी हूँ। मैंने जो कुछ किया उसके पीछे एक और मकसद ये भी है कि मैं अपनी बहन को वो हर चीज दे सकूं जिसका उसने सपना देखा था। भैया मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जो लूट की दौलत से खरीदी गई। गीता, गीता ठीक कह रही है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें लूटते हुए देखा है। पहले तुम भाई के रूप में देवता थे, लेकिन अब तुम देवता नहीं रहे। सब लोग तुम्हें गुंडा और मवाली कहते हैं। तुम मुकद्दर से बादशाह नहीं बल्कि लूट कर बादशाह बने हो। हाँ हाँ, यही समझ लो कि मैं इसी तरह मुकद्दर का बादशाह बना हूँ। मुझे गुंडा और मवाली वही लोग कहते हैं जिनके मुंह से गरीबों के खून की महक आती है। तुम लोगों ने मेरा लूटना देखा है, मेरा लूट जाना नहीं देखा। क्या कहा? नरेश ने तुम्हारे 10 लाख के जेवरात और रुपए दान पेटी में डलवा दिए और तुम्हारा उल्लू बना दिया। उसने दुनिया के सामने मेरे मुंह पर थूक दिया। मैं उससे खून थुकवाऊंगा, मैं उससे खून थुकवाऊंगा। अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हारे चेहरे पर शराफत और ईमानदारी का एक निशानी तो था, वो भी मिटा दिया। अरे मेरे आदमी होकर अपने माथे पर तिलक लगाकर आज तक तुम दुनिया को चूना लगाते रहे। अब अगर वही सारे काम बगैर तिलक के करोगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। खुलती है तो खुल जाने दो। उसने मेरे कपड़े उतारे हैं, मैं उसकी खाल उतार दूंगा। उसको किसी भी छोटे मुकदमे में फंसाकर
सड़ने के लिए सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे फेंक दूंगा। मैं नरेश का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। पहले बेवकूफ था, अब पागल हो गया है। गोदाम को सील कर दो। क्यों क्यों क्यों? लेकिन क्यों? आप लोगों ने फॉरेन से जो माल मंगाया, सरकार को उसकी कीमत बहुत कम बताई, ताकि आप लोग कस्टम ड्यूटी से बच सके। देखिए, आज अगर माल नहीं गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो ये माल तभी बाहर जाएगा जब आप 75 लाख रुपए सरकार को दे देंगे। क्या बात कर रही है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। शट अप। आइए आइए विक्रांत सिंह जी, आइए। अरे भारती, तू, तेरी ड्यूटी है यहाँ? वाह 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 वाह, फिर तो। कैसी हो बेटी? मिस्टर सिंह, इस वक्त ड्यूटी पर कस्टम ऑफिसर भारती राठौड़ है। किसी ने ठीक ही कहा है, नए जूतों की तरह शुरू में नए नए अफसर भी काटते हैं। नए नए जूतों में खास बात और भी होती है मिस्टर सिंह, जब वो सर पर पड़ते हैं तो चोट बहुत ज्यादा लगती है, जिसे कुछ लोग गंजे हो जाते हैं। कम ऑन। साहबों के साहब जी, अब क्या होगा? आज की रात हम गोदाम की सील तोड़ेंगे है? और गोदाम का सारा माल निकाल कर उसे आग लगा देंगे। क्या? उस गोदाम की 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस है, हाँ? जिसे हम इंश्योरेंस कंपनी से वसूल करेंगे। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, चलो यार, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो। नीलाल जी, गोदाम को आग लगवा दो, मैं जाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए विकराल सिंह जी, पूरा भस्म करके आता हूँ। वेरी गुड, चलिए चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो। भारती, मैं माल की खबर लेता हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखना। जल्दी करो भाई, बिजली चमक रही, अरे बारिश हो गई तो आग बुझ जाएगी। अबे जल्दी करो सालो। ये कैसे थी? है? क्यों चमक रही है? अबे हमारे देश में बिजली का अकाल है ना, इसलिए। चल चल अपना काम कर, छोटी छोटी जल्दी 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 लगा। चारों तरफ लगा दो, भस्म कर दो इस गोदाम को। साबू के साहब, आपका जवाब, आपने आम का रस भी चूस लिया और गुठली जलाकर 1 करोड़ रुपया वसूल भी कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं विकराल सिंह हूँ और ये है सेठ दमड़ी लाल। नमस्ते। नमस्ते, आप लोग जनरल मैनेजर के पास जाइए। मैनेजर? इंश्योरेंस की रकम बड़ी है ना, इसीलिए जनरल मैनेजर साहब के पास भेज रहे हैं। नमस्ते। आप? जी, मेरा नाम विकराल सिंह है और ये हैं सेठ दमड़ी लाल। ओह आई सी, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। यस सर। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। पुलिस क्यों? बड़ी रकम है ना, इसीलिए हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुला रहे हैं। ठीक है ठीक है। नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए बोला। गिरफ्तार करने के लिए? मगर क्यों? इसलिए कि तुम लोगों ने गोदाम का ताला तोड़कर सारा माल बाहर निकाल लिया, फिर खुद ही गोदाम में आग लगा दी और इंश्योरेंस कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का झूठा क्लेम फाइल कर दिया। ये सब झूठ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये रहा सबूत, देखिए, देखो। दमड़ी लाल, ये कहां की शराफत है? तुमने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। अरे मैंने तुम्हें 10 पैसे का पार्टनर इसलिए बनाया था कि 4 पैसे तुम भी कमा सको, लेकिन तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए विकराल सिंह जी, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आपको बताए बगैर मैंने स्मगलिंग का माल गोदाम में छिपा दिया था, इस डर से कि कहीं कस्टम वाले उसको पकड़ नहीं लें, मैंने गोदाम में आग लगा दी। सचमुच मैंने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया है साहब। कौन है? कौन स्मगलर है इधर? कौन है? आपने फोन किया था कोई स्मगलर इधर? कौन है वो? ये है वो स्मगलर सेठ दमड़ी लाल, गिरफ्तार कर लो इसे। सेठ जी जरा ये थोड़ा घुमाना तो। सेठ, आज मैं तुमको इतनी तरकारियां खिलाऊंगा कि तुम्हारी शक्ल हमेशा के लिए तरकारी की जैसी हो जाएगी। किसकी जैसी हो जाएगी? तरकारी जैसी। हां तो चलो
विक्राल सिंह, तुम ये मत समझना कि सेठ को गिरफ्तार करवा के तुम बच गए। तुम्हारा गोदाम भी जल गया, इंश्योरेंस का 1 करोड़ रुपया भी गया, और गोदाम में आग लगाने से पहले जो सारा माल तुमने निकाल लिया था वो माल अब मेरे कब्जे में है। ये नामुमकिन है। तकदीर के फकीर चंद, मुकद्दर के बादशाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। याद रखना, यह अभी तीसरी किश्त है। मिस्टर विक्राल, तुम्हारी बदनसीबी की कहानी यही खत्म नहीं हुई। तुम्हें कस्टम डिपार्टमेंट को 75 लाख रुपए देने हैं। अगर तुमने ये रकम फौरन नहीं भरी तो इसकी वसूली के लिए हमारा डिपार्टमेंट तुम्हारी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा।